नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज रुलाने वाला एपिसोड था, काफी लोगों के जो वॉइस ओवर्स हैं और उसमें भी और वैसे भी काफी कमेंट सेक्शन में भी लोगों का काफी ऐसा रवैया है कि ये गलत हुआ, अनुपमा को इतना क्यों रुलाया जा रहा है। ये भी है, बहुत सारा कुछ है जो आज इस रिव्यूज में भी जो अभी मैं सुनाऊंगी उसमें भी है और बाकी पूरे दिन की चर्चा का विषय यही रहा है। तो ओवरऑल एपिसोड काफी ड्रामेटिक था, काफी इमोशनल था। तो आपके रिव्यू सुनते हैं, पहले वही निवेदन जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू। चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज। नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कल के आपका वीडियो देखा था कि बापू जी वनराज के टुकड़ों पर नहीं पलना चाहते और वनराज और बापू जी की सेल्फ रिस्पेक्ट भी रहेगी और बापू जी को वनराज काम नहीं करने देगा, आपको क्या ज़रूरत है करके काम करने की, इस तरह से बोलेगा अंजू जी। उसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगी कि वनराज ने बापू जी की डिसरिस्पेक्ट नहीं की है, लेकिन बापू जी को कभी भी कि बापू जी की किसी भी बात में सलाह भी नहीं मानी है। और एक वीडियो था आपका कि अनुज क्यों नहीं दे रहा श्रुति को क्लोज़र, वो मैंने सिर्फ टॉपिक ही देखा था। और आज के वीडियो में सच में आपके पहले वीडियो ने मुझे रुला दिया। आध्या के बाद स्पाइस एंड चटनी में अनुज क्यों आए, आपने उस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया कि अनुज बाहर भी मिल सकते थे अनुपमा से, रेस्टोरेंट में आते तो पीछे श्रुति आने ही वाली थी, तो उसके सामने बात को और बिगाड़ने के लिए ही आए। और अनुपमा की तबीयत का हालचाल कोई नहीं पूछता, कोई नहीं जानना चाहता। उस दिन एक्सीडेंट के समय भी अंजू जी की किसी ने भी, ना शाज ने ना कापाड़ियाज ने, किसी ने भी अनुपमा से नहीं पूछा कि इसमें तुम्हें भी तो चोट लगी हो सकती है, तुम्हें भी तो कुछ नहीं हुआ ना, रोमिल के सिवाय किसी ने नहीं पूछा। और ऊपर से उस पर इल्ज़ामों की जड़ियाँ लगा देते हैं। और आपके दूसरे वीडियो में बताया कि तोशु और किंजल भी बहती गंगा में हाथ धोने आ गए और उनको यशदीप के द्वारा पता चला, तो अमेरिका में उनके रिश्तेदार होने के नाते यशदीप जी ने इन्हीं को बुलाया, तो अब ये लोग कह देंगे कि मम्मी अब जॉब छोड़ दो। तो और तोशु को तो पता है कि मम्मी बीमार होने पर भी आराम नहीं करेगी, मम्मी काम कर लेगी तो हमारा फ़ायदा हो जाएगा। आज तोशु और किंजल का यहाँ आना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है अंजू जी। आज मैंने आज का धारावाहिक देखा, आज के धारावाहिक से पहले तो मैं रोई आध्या को देख कर, और बीजी को देख कर मुझे और दुख आया लगा कि वाहेगुरु मेरी बेटी की इसकी दुखों को कम करो, वाहेगुरु से सच्चे दिल से बीजी ने प्रार्थना की, एक माँ का दर्द है। और वो जैसा तैसा बोल के गई, आप हमको डिजर्व नहीं करती, एक समय मैं आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, आज मैं आपसे सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ। उसके बावजूद अनुपमा ने यशदीप जी से यह कहा कि मैं ही पागल हूँ, मैं ही अपनी बेटी को पहचान नहीं पाई और वो मुझसे नफरत नहीं, सच में दिल से प्यार करती है, आप लोग उसे गलत मत समझिए, एक माँ ही कर सकती है ये सब। और उधर उसके बावजूद वो अंदर से दिल से टूटी हुई थी, तो भी अंदर से उसको बोलना ही नहीं चाहिए था आद्या को, तो आद्या ये भी बता देती कि मेरे पॉप ने मुझे क्यों डांटा है। आप आध्या एक ऐसी खरल जैसी, घास जैसी है अंजू जी की, जिसे समय रहते ना काटा गया तो वो पूरे शरीर में खुजली पैदा कर देती है। जैसे खरल जैसी घास जो होती है दुर्वा जैसी दिखती है, उस घास पे गलती से पैर पड़ जाए तो वो हमें शरीर में खुजली होने लगती है। इसी तरह का आध्या का है कि आध्या ने पहली बार अनुपमा की डिसरिस्पेक्ट की तो अनुज ने बच्ची है दुखी है ऐसा करके उसे नहीं छोड़ा होता, तो आद्या इतनी बदतमीज नहीं होती। और आद्या जितने भी अपने पापा के सामने अनुपमा पे इल्ज़ाम लगाए कि अनुपमा आपको यूज़ करती थी, शादी करके आप पे उपकार किया, वो सब जो भी इल्ज़ाम लगाए उसका कोई आधार भी था या मनगढ़ंत बातें थी आपकी। और अंजू जी जब तक आप भी मेरे बारे में जानती हैं कि मैं
तो हम मेरी मम्मी के बारे में आज की तारीख में भी नहीं और बचपन से भी नहीं, जब से संभाला है अपने आप को, और मम्मी के दिल में, मम्मी के लिए हमारे दिल में शुरू से ही रिस्पेक्ट थी, तो कोई भी बाहर वाला हमारे दिल में इतनी नेगेटिविटी नहीं बैठा सकता। ये मैं खुद के ही एग्जांपल से बोल रही हूँ अंजू जी। और आद्या इतना बोल के गई, और बाद में पार्क में जाके तो आद्या की सच्चाई, अब मुझे, मेरे हिसाब से अनुज को पता होनी चाहिए कि आद्या यहाँ स्पाइस एंड चटनी में बार बार जाती है, अनुपमा नहीं आई आपके घर कि आप ये कह रही, तो आप लोग, आप आद्या, आप और आपके पिताश्री, आप अनुपमा जैसी वाइफ को, लेडी को डिजर्व आप लोग नहीं करते, अनुपमा आपको डिजर्व नहीं करती, ये बात आई नहीं। और अनुपमा ने जितना भी आपको प्यार दिया है, वो आप अनाथ आश्रम में होती तो वो आपको कहीं मिलता ही नहीं। पर खैर, अब अनुपमा इसकी और सच को जानने की कोशिश करेगी, और जो आपका पहला वीडियो था उसमें आपने जो बताया कि श्रुति के साथ में अनुज आए, नए प्रोमो में श्रुति के साथ में आए, और श्रुति के जाने के बाद अनुपमा मुझसे तुम सवाल पूछने, अभी भी अनुज को सवाल की पड़ी है अनुपमा की तबीयत की, नहीं उस दिन एक्सीडेंट के समय भी इन लोगों ने ऐसा ही किया था, शाह और कपाड़िया ने, किसी ने अनुपमा की तकलीफ़ नहीं जाननी चाहिए, लेकिन बस अब हम कह रहे हैं वैसा करो तुम, और हर बात में सवाल दो, सवालों का जवाब दो। आज अनुज को देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है अंजू जी, कि अनुज, आज के अनुज खुद राम जैसे हैं नहीं, लेकिन उसे अनुपमा सीता जैसी पवित्र चाहिए, हर बार अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार होनी चाहिए, हर बार उनको उनके सवालों के जवाब देने के लिए, हर बार उनकी परीक्षा में पास होनी ही चाहिए अनुपमा। अब अनुपमा को इन लोगों को अपना रौद्र रूप दिखा कर कह देना चाहिए कि हर बात में मैं गलत हूँ, मैं, मेरे ही सब जगह गलती होती है, मैं ही दोषी हूँ, तो आप लोग मेरे जैसी औरत को डिजर्व नहीं करते, और मैं आपके सवालों का जवाब क्यों दूँ, आप मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए कि उस समय आप लोगों ने मुझे ना तो रोका, ना मैं, मुझसे किसी ने मेरा हालचाल पूछा, और आज भी मेरी तबीयत ख़राब है, मेरा कोई हालचाल पूछ नहीं रहा, लेकिन प्रश्नों की बाहर बंजर लगा देनी है सबको, और तोशु किंजल का आना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और वहाँ शाह उसमें, हाँ बापूजी ने भुट्टे सेकते हुए, बापूजी ने, काव्या ने डिम्पल की सैलरी के बारे में बोला, और अनुपमा होती तो सबके लिए लड़ती थी, बापूजी और काव्या के बीच की बातचीत भी अच्छी लगी, आज मैं डिम्पी के लिए हमें आवाज़ उठानी होगी, और डिम्पल को बुलाकर बापूजी ने समझाया कि पहला कदम तुम्हें उठाना होगा, तुम एक बार सोचो, काव्या ने कहा, कल को कोई तुम्हारे साथ हो ना हो, तुम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से और अपनी इनकम से अपने अंश की परवरिश कर सकती हो और अपने अंश को अपने तरह से रख सकती हो। वनराज ने बापूजी के काम के बारे में सुना तो उसे क्रांतिकारी का भी, इसको मुझे बताना ही होगा, ये घर में क्रांति लाना चाहती है तो इसको मेरे को रोकना ही होगा। वनराज शाह, आपका ईगो हर्ट होगा क्योंकि आपकी तानाशाही, अगर डिम्पल खुद के पैरों पे खड़ी हो गई तो वो आपकी तानाशाही नहीं चलने देगी काव्या और डिम्पल पर। वनराज शाह, आप भूल रहे हैं कि बापूजी अब थोड़ा कुछ बोलना सीख गए हैं, अभी तक बापूजी बोलते नहीं थे, उसका आप लोग फ़ायदा उठाते थे कि बापूजी तो कुछ कहेंगे नहीं, बापूजी हाँ उस समय चुप रहेंगे तो आपकी हर बात चलेगी, पर अब आपकी तानाशाही के दिन खत्म हुए। अब अनुज को एक्सीडेंट का सच भी अंजू जी मेरे हिसाब से पता होना चाहिए कि एक्सीडेंट में इसकी गलती थी आद्या की, और आज का भी सच पता होना चाहिए कि आज भी अनुपमा की तबीयत आद्या की वजह से ही बिगड़ी है, और श्रुति के द्वारा अनुज को पता चलता है कि स्पाइस एंड चटनी में कोई रीज़न से वो रेस्टोरेंट खुलने के बाद में किसी रीज़न से जोशी बेन बेहोश हो गई है, कान्हा जी अनुपमा को ठीक रखना, अनुज सिर्फ प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता, उसके लिए आपको कड़े फैसले लेने चाहिए, अगर आपने पहले से आद्या को डांटा होता तो वो इतनी बदतमीज़ नहीं होती। थैंक यू सो मच अंजू जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए,
और थैंक यू, मुझे परसों वीर जी का कमेंट को मैंने कमेंट्स में दिया था, तो उसके लिए मुझे थैंक यू हंग्री स्पिरिट्स की तरफ से कहा था, उसके लिए मैं दिल से थैंक यू सो मच एवरीवन जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगा। अभी भी देर नहीं हो गई है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि अब पछताए क्या हो, चिड़िया जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी आद्या और भी बड़े कदम ना ले ले, इसीलिए अब आपको कड़े फैसले लेकर रोकना ही होगा। अभी तक आपने हर बात में देर लगाई, लेकिन अब देर मत लगाइए तो अच्छा लगेगा। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी, हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का नमस्कार और उन सभी का धन्यवाद जिनको ऑडियो अच्छा लगता है। आज एपिसोड देखा, अनुज सोच रहे हैं कि आद्या से और अनुपमा दोनों से बात करनी है, तो अनुज तुमको पहले ही दोनों से बातें करनी थी। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब ही करो दोनों से बातें तो बातें क्लियर हों। आद्या के मुंह से मम्मी कहना बहुत अच्छा लग रहा है। चलो, ये तो अच्छा किया आद्या ने कि सबको वहां से जाने को कह दिया। सही कहा आद्या ने कि जब हम आपके बिना रह नहीं सकते थे, तब आप हमें छोड़कर अपनी फैमिली के पास चली जाती थी। हम भी इस बात से आद्या की सहमत हैं। अपने सगों के पास तो आज भी भाग जाती है, किंजल के एक मैसेज पर फिर चाहे तो सुख गेट आउट तक क्यों ना कह दे। पर आद्या यहाँ गलत हो कि हमारी लाइफ में आपके लिए कोई जगह नहीं है। पहली बार तुम्हारे पॉप्स चिल्लाए हैं, तो अगर पहले से तुम्हारे पॉप्स तुम्हारे ऊपर चिल्लाए होते तो आज इस ढंग से तुम अपनी माँ से बात नहीं कर रही होती। ना चिल्लाने का ही ये नतीजा है कि तुम इस ढंग से अपनी माँ से बात करती हो। पॉप्स जल्दी ही शादी कर रहे हैं, बताकर तो दिल तोड़ दिया अनुपमा का आद्या ने। ये बात बहुत बुरी लगी अनुपमा को आद्या की, कि आज मैं सबसे ज़्यादा नफरत आपसे करती हूँ। उधर अनु परेशान है, तो अनुज को बेचैनी हो रही है बहुत। आद्या ने कहा तो बहुत कुछ अनुपमा को बुरा लगा, पर आद्या को भी बहुत हर्ट हुआ है। अनुपमा आद्या को देखकर बहुत खुश कि ये मेरी छोटी है और मुझको बहुत प्यार भी करती है। सही कहा अनुपमा ने, और सही कहा तुमने अनुपमा, तुमने अपनी बेटी को नहीं पहचाना, ये बात तो सही है, ताज्जुब है। अनुज बेचैन हो रहा था क्योंकि अनुपमा बेहोश जो हो गई थी। श्रुति ने अनुज को बताया कि जोशी बहन बेहोश हो गई थी कोई पर्सनल रीजन की वजह से, तो अनुज और परेशान हो जाता है। अनुज श्रुति से कॉल करने को कहते हैं और श्रुति ने विक्रम को कॉल किया पर नहीं उठा। अनुज की बेचैनी बढ़ रही है। अनुज प्रे कर रहे हैं अनु के लिए, पर आपको नहीं पता इसकी जिम्मेदार तुम्हारी आद्या ही है, और किंजल तोशु भी आ जाते हैं वहाँ। अनुपमा को वही आद्या की बातें बार बार याद आ रही हैं। उधर शाह हाउस में अंश बहुत नकचढ़ा बच्चा है। ईशानी माही प्यारी बच्ची हैं, अंश को वनराज प्यार से खिला रहा है तो माही देख रही है। बाबूजी उसको प्यार से खिलाते हैं तो काव्या को अच्छा लगता है। काव्या ने डिम्पी के लिए स्टैंड लिया कि डिम्पी को सैलरी मिलनी चाहिए काम के बदले। ईशानी कितने प्यार से डिम्पी को स्टार दे रही है, क्योंकि वो बेस्ट है डिम्पी। बाकी उसमें भी जल बुन गई। बाबूजी ने काव्या का काम पूरा कर दिया, फिर वनराज को देखकर दोनों ने बात घुमा दी। और वनराज काव्या को क्रांति लाने से रोकना चाहता है, पर वनराज शाह अब तुम काव्या को रोक नहीं पाओगे। काव्या और बाबूजी ने डिम्पी को समझा दिया है काम को लेकर, पर पहला कदम तुमको ही उठाना पड़ेगा। अब डिम्पी इस पर कितना अमल कर पाती है ये देखना होगा। और प्री कैप में देखा, श्रुति अनुज आते हैं। श्रुति बता रही है कि ये मेरे मंगेतर अनुज कपाड़िया और ये है जोशी बहन। दोनों का इंट्रोडक्शन तो करा देती है श्रुति, तभी स्टूडियो से अर्जेंट कॉल पर श्रुति चली जाती है। तब अनुज कहता है अनुपमा से कि हमें तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, आज आद्या और अनुपमा का सीन बहुत इमोशनल था। आज जो जो आद्या ने अनुपमा से कहा, सच में बहुत दर्द हुआ। मैंने तो पहले ही कहा था कि प्रोमो देखा नहीं जाएगा, प्रोमो
प्रोमो देखा नहीं जा रहा तो एपिसोड क्या ही देखा जाएगा। आज सारी भड़ास आद्या ने अपनी माँ पर निकाल दी और झटका तो तब लगा अनुपमा को जब उसने कहा कि मेरे पॉप्स शादी करने जा रहे हैं। सच में दिल टूट गया ये बात सुनकर अनुपमा का। और जब उसे फिर से वही बातें याद आती हैं तब कहना कि मैं सबसे ज़्यादा प्यार आपसे करती थी और आज सबसे ज़्यादा नफ़रत करती हूँ। ये बातें अपनी बेटी के मुँह से सुनकर सच में कोई भी माँ अंदर से टूट जाएगी। अनुपमा सब स्टाफ्स के सामने कहती है कि मैंने अपनी बेबली को पहचाना नहीं, वो इतने दिनों से मेरे सामने थी। बेबली की नफ़रत देखकर और बातें सुनकर वो बेहोश हो जाती है और दीपू जी का अनुपमा को संभालना और घर ले जाना। फिर श्रुति और अनुज का सीन देखा तो उसने कहा कि मैं स्पाइस एंड चटनी गई थी और वहाँ जोशी बहन बेहोश होकर गिर गई थी, ये मुझे मालूम हुआ। और फिर अनुज का अनुपमा के लिए चिंता करना देखा और कान्हा जी से कहना कि अनु का ध्यान रखना, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। और आज सच में माँ की बेइज्जती देखकर दिल तो बहुत दुखी हुआ, रोना भी आया। जो माँ तुम्हें अनाथ आश्रम से लेकर आई, इतना प्यार दिया, सब कुछ दिया, तुम लोगों के बहकावे में आकर अपनी माँ को इतना गलत बोल रही हो, इतना जलील कर रही हो, सच में दिल तो बहुत दुखा आज। उधर फिर हमने बीजी का सीन देखा, अनुपमा की देखभाल करना, उसे संभालना बहुत अच्छा लगा और कहना कि क्या हुआ है मुझे कोई बताएगा। फिर विक्रम बताता है और फिर बीजी का कहना कि माँ का दर्द माँ ही समझ सकती है। शाह उसका सीन भी देखा, वहाँ सब बाहर आंगन में बैठे होते हैं तो आज काव्या ने डिम्पी के हक में बात की कि डिम्पी को भी सैलरी मिलनी चाहिए। और उधर बापूजी और डिम्पी का सीन देखा तो वो डिम्पी को समझा रहे थे। और फिर हमने प्रीकैम में देखा, अनुज आता है रेस्टोरेंट में और श्रुति भी साथ में होती है। श्रुति जब कहती है अनुपमा के सामने कि ये मेरे मंगेतर हैं अनुज कपाड़िया, तो श्रुति जब अनुज की बाहों में बाहें डालती है तो अनुपमा को देखा नहीं जा रहा था कि कैसे उसकी आंखों में सिर्फ आंसू ही बह रहे थे। फिर से वही ज़्यादा ताज़ा हो जाती हैं जब यही सीन अनुज माया के टाइम करता था, जब माया को साथ लेकर आता है तो वो उसके साथ पूजा में बैठ जाती है। और फिर जब डिम्पी और समर की मेहंदी की तैयारियाँ होती हैं उसमें भी माया अनुज के साथ बैठी होती है, उसकी बाहों में बाहें डाल के बैठ जाती है। तो सच में अनुपमा को देखकर बर्दाश्त नहीं होता, वो बहुत ही दुखी होती है अंदर से और उसकी आंखों से आंसू नहीं थमते। और आज फिर से वही सब कुछ देखकर देखा नहीं जा रहा था कि ये क्या कर रहा है। और आज फिर से वही सीन देखकर अनुपमा का दिल टूट गया। और सही कहा आपने कि क्या वो इंसान नहीं है, उसे दर्द नहीं होता। आज फिर से कांता माँ की बातें याद आ गई, जब वो अनुज अनुपमा के लिए पार्टी रखता है तो उसकी माँ कहती है कि गलतियों पर गलतियाँ तुम करो और सहे मेरी बेटी क्या वो पत्थर है, उसे दर्द नहीं होता। सच में कितना कुछ सहेगी अनुपमा, अब जो भी आता है अनुपमा को सुनाकर चला जाता है, क्या वो इंसान नहीं है। अभी तो जो शादी तक ड्रामा चलेगा तब भी वो ये सब देख नहीं पाएगी और अंदर ही अंदर यही सोचती जाएगी कि मेरे अनुज शादी करने जा रहे हैं, सच में बहुत दर्द होगा। आगे देखते हैं मैम क्या क्या दिखाते हैं। आज फिर मुझे एक माँ पर गाना याद आया है, मैं बोलना चाहूँगी। रमता जोगी बहता पानी, माँ की कहे कहानी, माँ का नाम सदा रहता है, बाकी सब कुछ पानी। जुग आते हैं जुग जाते हैं, माँ की गाथा दोहराते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं, माँ का रुतबा सबसे ऊंचा, माँ ही मंदिर माँ ही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा, माँ ही मंदिर माँ ही पूजा, माँ से बढ़ के कोई ना दूजा। बस थैंक यू अंजू मैम।
हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज के शो में हमने देखा कि अध्याय का वही बदतमीजी का शुरू है, वो कंटिन्यू अनुपमा को बोले जा रही। उसने हर एक बात उसको कह दी कि पापा हम आगे बढ़ गए, आप खुशी में हमारी खुशियाँ छीनने आ गई, क्यों आ गई वगैरह वगैरह वगैरह। पर इन सब में एक बात मुझे अच्छी लगी उसकी, कि चलो एक पॉइंट लगा उसमें कि कम से कम उसने ये सब बातें करने धक्का वक्का तो दे दिया था लड़की ने पहले, और फिर उसके बाद उसको रियलाइज हुआ कि यहाँ पे सब लोग हैं तो उसको बहुत कुछ बोलना था। तो उसने कहा कि आप लोग थोड़ा मुझे इनसे, मैंने वो कहती है कि आप वेट करो, तो चलो लगा उसको कि बाहर वालों के सामने घर की बातें नहीं की जाती, वो थोड़ा सा समझ है लड़की को, तो ठीक लगा वो एक अच्छा कि चलो कुछ गुंजाइश है, ये सुधर सकती लड़की, थोड़ा पॉइंट है इसमें, एक पॉइंट लगा। दूसरी बात है कि अनुपमा सुनने जा रही बेचारे को कितना धक्का, ये तो हमने सब ने देखा, और आज उसने सब बता दिया। अनुपमा का जो सीन भी वो तो कि जैसे अनुज शादी करने वाले, तो हमने देखा वहाँ पे अनुपमा का फेस भी देखा और उसका हाथ भी, वहाँ भी वो लड़खड़ाई जैसी, और उसके बाद अनुपमा बेहोश हो गई। यहाँ पे श्रुति अनुपमा को अनुज को बताती है कि जोशी बहन से मिलने गई थी मैं, तो वहाँ पे कल उनके इसका रीओपन है, और उनका इन्हें वो बेहोश हो गई, तो अनुज की बेचैनी, और अनुज का ये कि कहाँ है कैसा है वो पूछना शुरू करता है, हम कुछ कर सकते क्या जो भी। उसके बाद ही वो घर जाके फूल भी बेचता है गोगरे में। यहाँ पे अनुज कहने, यहाँ पे फिर वो बीजी के यहाँ पे दिखाया उसको कि बीजी का परेशान होना अनुपमा के लिए, और फिर डॉक्टर ने बताया कि इनका बीपी बढ़ गया था, कुछ स्ट्रेस था, अभी वो ठीक हो जाएंगे, अच्छा हो जाएंगे, वो होश में आ जाएगी, तो चलो वो थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा राहत का। और फिर यहाँ पे जैसे दिखाते किंजल और तोशु भी आया हुआ दिखाया, तो यहाँ पे एक सीन क्रिएट हो सकता है, बीजी एक सीन क्रिएट कर सकती है अनुपमा के मन में डालने के लिए कि देख ये है तेरे अपने, वो बोलेगी क्योंकि वो चले जाती है ना बार बार उनके लिए, तो यहाँ वो बीजी कहीं ना कहीं बताएगी, वो बोलेगी, और ऐसा मुझे लगता है होना चाहिए, मैं तो चाहूंगी कि ऐसा हो कि बीजी बोलेगी अनु तुझे अपने पोते बहू के साथ जाना है तो जाके आ जा, दो चार दिन तुझे अच्छा लगेगा, तू यहाँ पर रहेगी तो रेस्टोरेंट में जाएगी, कल से रेस्टोरेंट शुरू होने वाला है, ये सब वो बात बोलेगी ना, तो यहाँ पे तोशु मना करते नजर आएगा कि नहीं मम्मी का ख्याल कौन रखेगा, हम तो रहते नहीं है ऐसा वैसा जो भी, यहाँ वो लगेगा तो बीजी ये दिखाएगी उसको हाईलाइट। और कल एक रह गया था मेरी बात बोलना, कल अनुपमा ने नोटिस किया ये बात, मुझे लगता है कि अनुपमा ने ये नोटिस किया जब वो नाश्ता सर्व कर रही थी किंजल और तोशी को, तो किंजल वहाँ पे दोनों खाना इन्हें खाए जा रहे थे पर एक बार भी नहीं मम्मी आपने ये सब क्यों किया, अनुपमा उन्हें लेक्चर दे रही है पाठ पंजे कैसे काम करना है ये सब बोल रही है, उन्हें समझा रही है कि कौन से समय क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दोनों ने मिलके जो भी वो कहती है वो कहती है, पर एक बार भी ये दोनों ऐसा नहीं बोलते कि मम्मी आप भी नाश्ता करो, आपको भी तो जाना है, जब आप जा रहे हो तो नाश्ता करिए ना, उसने खाना बनाया, ऐसा तो नहीं है ना, तुमको तो पता ही नहीं है ना कि अनुपमा ने नाश्ता किया नहीं किया, उसने तो बना के तुमको खिलाया, तुम्हें तो पता ही नहीं कि तुम्हारे लिए बनाया भी है, तुम तो जा रहे थे ब्रेड जाम खा रहे थे, अरे तुम ब्रेड जाम बैठ के खा रहे थे, तुमको तो तब भी नहीं लगा कि मम्मी गई है, नहीं ना मम्मी रुकी है यहाँ पे रात में, वहां भी तुमको आवाज देना जरूरी नहीं लगा कि दोनों तैयार होके बाहर आ रहे हैं नाश्ता करेंगे, ये सब क्या बात होती है, ये थोड़ा अजीब सा लगा था कि ये अनुपमा ने नोटिस किया और किया ही होगा, क्योंकि लगा मुझे उनको देख के जब वो परोस रही थी तो दोनों को बारी बारी से देखे जा रही थी, तो यहाँ हो सकता है ये हाईलाइट हो सकता है ये बात है, तो आज वो बीजी जो लेगी ना कल क्लास, तो ये बोलेगी इनका कुछ ना कुछ तो निकलेगा। और दूसरी बात है कि अब इनको बुलाने वाला दीपू जो होगा, दीपू ने कॉल करके बताया होगा कि बच्चों को बुला लेते भाई मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, तो जो भी ऐसा, तो यहाँ पे ये तो एक सीन था, और एक लगता है कि बीजी शायद आध्या की भी क्लास लेगी, आध्या को भी डांटेगी जाके, वो लेगी डांटेगी वहाँ पे, उसको पता चलेगा कि जोशी बहन से नफरत बदतमीजी की है, ये सब होगा आध्या वहाँ पे, मुझे श्रुति भी दिखी, तभी तो अनुज को पता चलेगा ना कि आध्या ने क्या किया है, तो ये फोटो से लगता है होगा नहीं पता पर होना चाहिए ऐसा लगता है, कि अनुज को कैसे पता चलेगा कि आध्या जहर उगल के आ गई है, क्योंकि जब वो रेस्टोरेंट वाला जो सीन दिखाएंगे तो वहाँ पे अनुज जैसे जाता है, तो वहाँ एक और बात कहूँगी अंजू जी मैं, कि अनुज ने गलत किया जाके, तो गलत किया
एकदम से जाना नहीं चाहिए वहां पे। एक्चुअली क्या है कि पहले अगर वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आप जानते हो बेहोश हो गई है, और आप फिर एक सवाल लेके पहुंचोगे, किसी से क्या, किसी को क्या लगेगा, भले उसे पता नहीं है कि आद्या गई है वहां पे अनुपमा को बोलने, उसको यानी आद्या की वजह से उसकी हालत होगी, ये उसको भले पता नहीं होगा, पर श्रुति के साथ तो नहीं गया होगा। मुझे नहीं लगता कि अनुज वो रिस्क लेगा, क्योंकि वहां पे वो अभी श्रुति को बता नहीं पा रहा, बताना नहीं, बताना चाह रहा है उस सोचा पर बता नहीं पा रहा, तो डायरेक्ट उसको वहां ले जाके रिस्क नहीं लेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर सामने जाएगा तो फिर सच्चाई भी आने का डर रहता है ना कहीं नाम निकलेगा अनुपमा जी अगर निकल के, जैसे तो यहाँ वो नहीं लेगा। यहाँ मुझे लगता है जैसे वो अंदर जाता है ना, तो श्रुति ऑलरेडी फोन पे बात करते हुए अंदर दिखी मुझे, तो इसलिए मुझे लगा कि वो साथ में नहीं गए। पर हाँ, वहाँ पे वो निकल सकता था वहाँ से तुरंत, कुछ ना कुछ बहाना मिला के बना के निकल सकता था इंट्रोडक्शन होने के बाद, क्योंकि ये उस पर बीतने इतना बड़ा सच अगर उसके सामने आ रहा है कि अनुज आगे बढ़ गया है, उसकी लाइफ में कोई आ गया है, उसके बाद अगर आपको लगता है कि उसके सवालों का जवाब देगा तो कोई कैसे देगा? क्या उसको तकलीफ नहीं होगी? क्या वो इंसान नहीं है क्या? ये मुझे लगता है कि ये सब कुछ अगर अनुज के साथ होता, अनुपमा आगे बढ़ते और ऐसे ही सामने आता, तो क्या अनुज सब इतना इजीली ले लेता क्या? ये मुझे लगता है कि हाँ, ये नहीं होना चाहिए था, थोड़ा और सोचना चाहिए था। वहां तुमको क्या जवाब मिलता? नहीं देती, वो सिर्फ रोए जा रही थी, उसने जवाब ही नहीं दिया, नहीं दिया। मुझे नहीं लगता कि वहां उनकी बातें हुई होगी पूरी, क्योंकि जैसे वो गया, वो कांच के पीछे से जैसे वो निकला ना गॉगल पहन के, तो उसके एक्शन से तो ये लगा कि अनुपमा ने उसको जवाब नहीं दिया और वो गर्दन हिलाते हुए बाहर निकला। ये मुझे लगता है ऐसा कि नहीं वो आगा वहां भी बोलना। हाँ, पर आद्या के लिए, आद्या की नफरत को कम कैसे कर रही है, दोनों का चिंता का विषय, और माता पिता होने के से ये दोनों मिलेंगे फिर से, उसके लिए मिलेंगे, और यहाँ उसकी नफरत कम करने के लिए दोनों की बातें भी होगी, सोचेंगे वो। ये लगता है मुझे, 100% लग रहा है ये कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि मिलने का कोई और रीजन नहीं होगा ना इनके पास। जैसा पता चला अनुपमा को तो पता ही है कि अनुज आगे बढ़ गया, तो क्यों किसी की खुशी में, पर अपनी बेटी के लिए वो एक कोशिश करती है, वो तो करेगी, बेटी के लिए कोशिश करेगी, तो यहाँ वो लगता है। और दूसरी बात है कि देखेगी इनके क्या होगा, और अंधा की नफरत तो इतनी जल्दी कम नहीं होने वाली, वो और ज्यादा नेगेटिविटी में जाएगी, जैसे हमने देखा। कोशिश करे जल्दी से जल्दी शादी हो, शादी में भी इतना कुछ ड्रामे करेगी ताकि अनुपमा को, वहाँ जोशी बहन को तो बुलाएगी श्रुति, तो वहाँ उसको जलाने के लिए, उसको परेशान करने के लिए बहुत ऐसी कुछ हरकतें करेगी, वो करते हुए नजर आएगी, ज्यादा नेगेटिविटी में जाते हुए भी नजर आएगी, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे वो। और देखते हैं पर अनुपमा कैसे इसको हैंडल करती है। और दूसरी बात है कि इधर शाह परिवार भी बहुत अच्छा लगा, शाह परिवार में मुझे बहुत दिनों बाद ऐसा अभी इतने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, बापूजी जब सब बदल के आए ना तो कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है कि सबके लिए कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, अपने लिए सोचा सबसे पहले कि काम कर रहे हैं, यानी काव्या को के साथ मिलके काम कर रहे हैं, और किसी को बताना नहीं, सीक्रेट है ये सब उसके, वो अच्छा लगा दोनों में, यानी बहू के साथ बापू जी काव्या के साथ अच्छा लगा। और वहाँ पर डिम्पल के लिए बातें हो रही है, बहुत अच्छा लगा, बापूजी ने डिम्पल से कहा बेटा काम करो तुम, जो भी अच्छा लगा वो टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा मुझे। डिम्पल को भी टीटू की बात याद है कि टीटू भी ऐसे ही चाहता है कि काम करूँ मैं, तो यहाँ वो सोचने पर मजबूर हो गई, मुझे लगता है कि वो जल्दी ही हाँ बोलेगी इन सबके लिए, और वनराज से खुद बोलेगी कि मुझे पापा आपकी सैलरी नहीं चाहिए, मुझे बाहर जाके काम करना है, घर के काम की सैलरी नहीं चाहिए, ये ऐसा कुछ बोलते हुए नजर आएगी वो। आज बहुत अच्छे तरीके से बापूजी ने डिम्पल के मन में डाला, और अब तक बापूजी कैसे बोलते नहीं थे तो एक है नहीं, पर अब बापूजी बोलने लगे तो वो अच्छा लगा, और सैलरी वाली बात भी अच्छी लगी वो, और देखते भी आगे शो में क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। गुड आफ्टरनून अंजू दीदी, महिमा नमस्ते। कल का, सॉरी आज का एपिसोड देखा, बड़ी तकलीफ भी हुआ, बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ, बहुत ज्यादा आँख में पानी आया। एक्चुअली सबसे ज्यादा पानी आया कि वो सारे स्टाफ और सब कोई अंदर चले जाते हैं, फिर वो सारा बड़ास वो बाहर निकालती है सॉरी सॉरी करके कि मैं आप लोग से कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन वो अंदर चले जाते हैं सारे स्टाफ और सब कोई, दीपेश जी भी अंदर चले जाते हैं। आई कुड नॉट हियर इट इज कि इस बच्ची में इतना करवाहट भरा पड़ा है, हमें एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि कहने के लिए कहा जाता है बच्ची है बच्ची है बच्ची, 14 साल 15 साल का बच्चा या 16 साल का बच्चा अपनी
अडॉप्शन वाली माँ को ऐसा कैसे कह सकता है? तुमने तो कहा था आई हेट यू मम्मी, तुम्हारे तुम्हारे डैडा ने कहा था, 3 साल का सारा घुटन बाहर कर दिया था कि पारा गर्म हो रहा है, ये गर्म हो रहा है, क्यों कुर्बानियां याद नहीं आई? और अंजू मैम ने आज इतम ही ये जो बात कही है मैम कि एक बेवकूफी उसकी बेटी करके चली गई और एक बेवकूफी अनुज करके चला गया, मतलब आपने उस दिन कहा था ना मैम कि महिमा हर सीरियल का एक ही कहानी है, एक ही सिस्टम है, एक ही प्यार, एक ही ट्रेजेडी है। माँ के साथ क्या क्या होता है, एक औरत के साथ क्या क्या होता है, वो औरत को ही करना पड़ता है। लेकिन इतना नहीं, मैं कुंडली भाग भी देखती हूँ, कुमकुम भाग भी देखती हूँ, यहाँ तक कि एकता कपूर का, यहाँ तक कि तारक मेहता भी देखती हूँ, पुष्पा इम्पॉसिबल भी देखती हूँ। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि अनुपमा देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उस पर तांडव ही टूट रहा है। मतलब एक स्टॉक खत्म नहीं होता, दूसरा स्टॉक आके खड़ा हो जाता है। यार जब से इस प्रोग्राम में एंटर हुई है वो रूपाली गांगुली का, देखकर ही मेरा तो आत्मा छिंजोड़ गया है। सच बताए मैम, रियल में अगर इस तरह का कांड होगा ना तो वो औरत तो जीते ही मर जाएगी। सच में आज कहने का दिल कर रहा है कि वो आगे बात जो, मतलब उसने 4 साल से अपने घर को बंद कर कर जैसे भी वो रही बड़ौदा में, वैसे ही रहना चाहिए था, जोशी बहन बनकर काम करे करती थी अंदर में, वो ठीक था। भले थोड़ा तकलीफ होता देखकर कि यार इतनी तकलीफ में है, लेकिन कम से कम अमेरिका आकर खुशी से जीना चाहती थी। लेकिन सब किस सब मिल रहे हैं अभी, देखिए ना बाकी अभी वनराज था, अनिज कपाड़िया आना स्टार्टिंग हो गया, आध्या आ रही है, किंजल पारितोष आ रहा है, परी आ गई है, और स्पेशली मैं बच्ची के लिए तो कुछ बोल ही नहीं सकती, उस बच्ची छोटी सी बच्ची के लिए, लेकिन वो भी है, दादी आप रह जाओ ना मेरे पास, दादी ऐसा कर लो ना, दादी मेरे साथ ही रुको ना, मतलब ये पढ़ाया बुढ़ी पारितोष और किंजल का है। इतनी छोटी सी बच्ची बार बार फोर्स नहीं करेगी कि दादी आप रुक जाओ ना, दादी आप रुक जाओ ना। और कल जो आपने कहा कि अपने टैलेंट के साथ दिखा दी कि तुम ऐसे फटाफट अनाज छिल के खा के भाग जाओ, तो ये सब चीज सिखाया गया, ये चीज़ देख कर अच्छा लगा उनकी गाइडलाइन। लेकिन आज सच में तकलीफ हुआ मुझे, वो बेहोस हुई। चलो एक चीज़ अच्छा है, देखने को बड़ी खुशी मिली कि किंजल और पारितोष घर आकर देखते हैं। वो देखकर अच्छा लगा कि वो दीपेश के घर में आके अपने माँ को देखकर जाते हैं, भले वो लेकर जाएं या देखकर जाएं, वो बहुत अच्छा लगा देखकर। लेकिन सच में रिडिकुलस है, अभी अनुज कपाड़िया जी आएंगे, श्रुति बोलेगी ये मेरा फियांसी है, उसके बाद उसे पल्ला पकड़ेंगे, उसे मनाएंगे, उसका हाथ पकड़ेंगे, यार कितना पेन दोगे? उसकी कुर्बानियाँ तुम्हें दिखाई नहीं दी कि तुमसे शादी कर कर 3 बच्चे जैसे पाकी है, पारितोष है, यहाँ तक कि समर है उसका लाडला बेटा, उसे भी वो छोड़कर आपके साथ ज्वाइनिंग हुई, आपके फैमिली को इम्पोर्टेंस दी। हाँ मानते हैं कि शाह हाउस जो उसका आना जाना चलता था वो माइका बना के रखी थी कि वो उसने जाना। और स्पेशली मैं एक चीज़ आपसे पूछती हूँ कि ये जो 5 साल की बच्ची को आपने, ये 4 साल की बच्ची को गोद लेकर जब आप घर में लेकर आए थे तो आपकी जान इतनी अटक पड़ी थी कि ये मेरी बच्ची है, जब वनराज ने कहा कि ये 3 बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर दी है, अब इसको थोड़ा सा रिलीफ मिलना चाहिए, तो आपने क्या कहा कि मैं बाप बनना चाहता हूँ, मुझे एक बच्ची चाहिए, और बच्ची को पाल भी रही थी, अपना ऑफिस का काम भी कर रही थी, डांस एकेडमी भी देख रही थी, यक्षा हाउस भी देख रही थी, कपाड़िया हाउस भी देख रही थी, यार बस भी करो यार। हर तकलीफ हर प्रॉब्लम्स सब आके अनुपमा पे खड़े हो जाते हैं। प्रेग्नेंट है तो क्या हुआ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है, लीड एक्टर्स है तो क्या हुआ, उनकी भी तो आत्मा में तकलीफ होती है। और मैं एक न्यूज़ में सुन रही हूँ कि गौरव खरा शो छोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ही अभी पुष्टिकरण उनका उनकी बोली पर तो नहीं आया है, लेकिन उनके बाद मतलब एक जगह से न्यूज़ मिली है कि वो निकलेंगे, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि मैं मेरा इम्प्रेशन डाउन हो रहा है, जो इम्प्रेशन मैंने मतलब इस शो से मनाया है वो अब डाउन होने जा रहा है। तो ये चीज़ तो बात सही है कि इतनी बड़ी जो
एक फैमिलियर बना था, तो वो चीज़ देखकर समझ में आ रहा है। और तो और सबसे ज़्यादा मेरे को खुशी इस बात की है कि अब दीपेश जी हैं, बिजी हैं, लोग दोनों जन देख रहे हैं, और यहाँ तक कि उनके जो एक स्टाफ और काम करते हैं सैफ हैं जो, वो भी देख रहे हैं सब कोई, मतलब वहाँ के लोग उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। बस यही चीज़ देखना चाहते हैं कि उनकी बस यही छोटी सी फैमिली बने रहे और वो अपना काम करके अपने आप को आगे करें और दीपेश जी उसका साथ देते रहें। बहुत अच्छा लगेगा देखकर, ये सारे जो शाहजन कपाड़िया जन का दर्शन तक ना हो मेरे को तो वही अच्छा है। मैं उनके आँख में और पानी नहीं देख सकती और हिम्मत नहीं है। अभी तो पता नहीं 2 हफ्ते का एपिसोड और क्या क्या रंग लाएगा, आई डू नॉट थिंक अस, लेकिन तकलीफ तो देखना मिलेगा क्योंकि रूपाली जी को इतना पसंद करते हैं जो हम लोग, और हमारी तो गौर अनुपमा भी फ़ैन है, रूपाली गांगुली भी फ़ैन है मेरी, तो मैं उन्हें बिना देखे रह नहीं सकती। कोई ना कोई चीज़ है, उनका शोज़ है या पुराने शोज़ है, मैं देखती रहती हूँ उनका, तो वो मुझे पसंद है, तो इसीलिए हट नहीं पाती हूँ, इमोशनली अटैच्ड हूँ। तो पता नहीं अब क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, पर बहुत तकलीफ हुआ। थैंक यू अंजू मैम एंड आई लव यू टू। थैंक यू सो मच आप सबका इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज देने के लिए। सबसे पहले तो मैं इससे पहले भूलूं, मैं महिमा को ये बोलना चाहती हूँ, मैंने पहले भी सुना है तो मैं एंड में भूल जाती हूँ, फिर बता नहीं पाती हूँ कि यशदीप नाम है, दीपेश नाम नहीं है। उनका नाम यशदीप है और दीपू उनको छोटे नाम में बोलते हैं, तो ये आप अपने वॉइस ओवर में आगे करेंगे तो करेक्शन कर लीजिए। यशपाल बड़े भाई हैं, यशदीप छोटे भाई हैं। तो बाकी आपका ऑडियो अच्छा था महिमा, और सही में आप रोई हैं ये मैं समझ सकती हूँ कि आप ना तो अनुपमा को छोड़ना बन रहा है आपसे, ना ही आप देख पा रही हैं, तो ऐसा होता है। तो अच्छा भी आएगा तो अच्छा देखिएगा, मैं इसमें कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकती, सिर्फ यही कहूंगी कि देखिए धारावाहिक की तरह देखिए। तो बाकी कुसुम जी आपका आवाज सच में बहुत अच्छा है, आज तो बहुत ही बढ़िया आपने गाया, थैंक यू सो मच। बाकी सबका ऑडियो भी बहुत अच्छा था, और वर्षा जी आपने भी बहुत अच्छे से बताया, मनीषा जी, कुमुदनी जी आपने भी, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और जाते जाते नंबर शेयर करती हूँ जिस नंबर पे आपने अपना ऑडियो या वीडियो भेजना है, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। Keep watching Hungry Spirits channel. Thank you so much. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.